अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। अब सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। अलहमदिल्ला मैं भी खैरियत से ठीक हूँ। और आज मुझे जाना है अपनी नैन के, तो बस अभी मैंने कपड़े निकालने हैं। अभी हम जैनब के लिए मैं कपड़े निकाल लेती हूँ, तो आज वो की पट्टी में जाना है, तो बस जैनब आज ये लॉन का है ये निकाल लेती हूँ। अभी जैनब को फिलवत तो मैं नहला के ये पहनाऊँगी, और इसके अलावा एक मैं ये वाला निकाल लेती हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, एक दिन आपको ये पहना, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो ये सही रहेगा। माशाल्लाह एक ये वाला निकाल लिया मैंने, और एक जल्दी निकाल लिया है सैनब का ये वाला, ये नया मैंने सिया है, तो बस सैनब को ये पहनाएंगे। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त फ्रॉक सी ली, लॉन की अभी पहनी नहीं है, आज ही मैं सैनब को पहनाऊँगी। मैंने सुबह ही सी थी, पर मैंने बर्थडे की नियत से नहीं सी थी, मैंने तो ऐसी गर्मी के हिसाब से सैनब की सी थी। तो आज इनकी फुप्पो की जैनब की बर्थडे, यानी कि मेरी क्यूट नैन की उदयवर की बर्थडे, तो बस अभी हम वहीं जाएंगे। तो बस अभी कपड़े निकालेंगे, और मैं क्या पहन को भी आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने अभी अपने कपड़े निकाल लेने, क्योंकि जैनब के मैं निकाल चुकी हूँ, बस मैंने अपने निकाले, तो अपने में ये वाले निकाल देंगे। तरीके से एक बार मैं पहले भी पहन चुकी थी, तो बस मैंने अभी बस अब जल्दी से मैं कपड़े आयरन करूँगी, और फिर उसके बाद जो है कि हम निकल जाएंगे। रिजोल्ट में ऑयल आई कर चुकी हूँ, मैंने मशीन आई थी, तो काम अपने में अपना को रेडी कर लिया। बस मैंने माशाल्लाह से हम ऊपर की तरह क्या ला रही है जैन, देखो माशाल्लाह कितने प्यारे। माशाल्लाह से प्लांट्स मेरी सास ने बहुत अच्छे डेकोरेट किए हैं, और उनकी केयर करिए। हम छत पर आ गए, इसकी तरफ जा रहे थे, बहुत गर्मी हो रही है, नीचे तो छत पर आ गए, टेरेस पे। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त लग रहे थे कबूतर, की वीडियो बनाई है जैनब की, बहुत खुश हूँ। और मैं तो काफ़ी वक्त के बाद छत पर आई हूँ, बहुत अच्छी लगती थी टेरेस पर। यही होता था कि अम्मी के घर जब तक थी ना, तब तक मैं लास्ट में छत पर जाती थी, और असर की नमाज हम लोग आते छत पर ही पढ़ते थे, असर मगरिब तो ईशा तक तो वहीं रहते थे, तो बहुत ही इंजॉयमेंट करते थे। हम यहाँ से प्यारा लग रहा था, उसने भी वीडियो बनाई, और माशाल्लाह आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, रात को पूरी वॉच करेगा और बहुत मज़ा आने वाला है। मुझे तो बहुत मज़ा आया था, आई होप आप लोग को भी मज़ा आए, तो आप लोग प्लीज़ पूरी वॉच करेगा, लाइक कमेंट शेयरिंग करेंगे। अब आपसे हम नीचे उतर रहे, भर का कमरा है। ओए मुझे नहीं छोड़ के था, और ये नीचे का रास्ता है, हम वापसी नीचे जा रहे हैं। अब हम सबसे नीचे पहुंच गए, चाय पी, अभी ने आधी ज्यादा पी भी ली। ये ट्रांसपेरेंट होगी तब तक बनानी,
थोड़ी ब्राउन होगी वो पहनी है फ्रॉक का एक थोड़ी सी हम अलग कर देंगे अलग से इसी में से ऊपर गार्निश के लिए ना चिकन चिकन डालेंगे कितनी है एक किलो हो गए इसको ना कटिंग करके बीच में रख देते है ना कराची इसमें गर्म मसाले के अंदर सारे गर्म मसाले जाएंगे लहसुन अदरक कितने चम्मच एक चम्मच बड़ा मिक्स कर लेंगे सबको चिक आलू भी ऐड कर दिए बच्चों की डिजाइन के लिए ऐड किए मैं चिकन नहीं खाती हूँ हरी मिर्च बैंक खाली हरी मिर्च टमाटर ग्राइंड करने के लिए ये है ग्रेवी की मिर्च थोड़ा दूध दे दें और इसके अंदर हम टमाटर ग्राइंड किए हुए चॉप थोड़े से चॉप किए हुए इधर उधर मसाला डाल मसाला क्या बनाए और किस तरह से करना है बहुत जबरदस्त पुलाव बनाकर आलू बुखारे ऐड करें अभी हमने और थोड़ा भून जाए फिर इसके बाद इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे रायते भी तैयार कर दिए ये हम चावल ऐड कर दिए मसाले से पानी ऐड अपने हिसाब से कर लेगा कम ज़्यादा हम तो अपने हिसाब से डाल लें नमक इसके अंदर हम ऐड कर देंगे थोड़ी सी फ्लेम तेज है माशाल्लाह से अब हमारे चावल दम पे लगेंगे क्योंकि आधे से आधे हमारा हो चुका है तो बस अभी थोड़ा पुदीना ऐड करना है प्याज ऐड करनी है और इसके अंदर टमाटर ऐड करके रख देंगे और माशाल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है मुझे तो यहाँ पर और ये सारी चीज़ें मेरी नन बना रही है और मैं बस खड़ी वीडियो बना रही हूँ और माशाल्लाह बहुत अच्छे खाने बनाती हुई मैं टमाटर ऐड करके बस इसको कैप कर देंगे दम पे लगाने के लिए रख देंगे माशाल्लाह से वैसे भी मैंने ज़्यादातर खाने अपनी नन से ही सीखे हैं और माशाल्लाह बहुत मज़े के और टेस्टी खाने बनाती हूँ काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं अपनी नन से ही ज़्यादातर बनवाती हूँ तो बस उसको दम पे रख देंगे और यहाँ मेरी नन ने चिकन के कबाब तैयार करे थे अब बस उनको फ्राई करना है बस अभी हम फ्राई करने के लिए तेल डालेंगे पैन में और उसके बाद हम इसको रख देंगे टिक्किया बना बना के इसमें अब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा और उसके बाद हम
जाए करी, अभी तो वीडियो बाकी है। और फिर उसके बाद हमने अपनी अम्मी का वेट किया, मैं आने के लिए अपनी सास का वेट किया और फिर वो आ गई थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने केक कट किया। जब तक मैं और अपनी नैन आपस में बातें करते रहे और काफ़ी हद तक अच्छी अच्छी बातें भी करी और काफ़ी चीज़ें सीखी। चलो अब तो इसको भी लिया, मुझे भी दे देना फेस की बनाओ। बस सही है, जाना को सब्सक्राइब करेगा, अपनी दुआ में हम सब कह रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर हमारे लिए।